तो दोस्तों ग्राम रोजगार सेवक और अन्य पदों का जेई हो गया, ठीक है, इन सभी का जो है फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है कि कहाँ पे किसका मिला है, ठीक है। और अभी हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि कितना परसेंट से उठा रहा है, 63% इंटर वालों से उठा रहा है, ठीक है। अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे सब कुछ। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां में ग्राम रोजगार सेवक और जेई और अन्य पद हैं उन सभी के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के संकल्प पत्रांक, ये है विज्ञापन संख्या, ठीक है, अधिसूचना संख्या, नियमावली 2012, नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2017 के प्रावधान आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जिले के विभिन्न प्रखंडों में ग्राम रोजगार सेवक के रूप में कार्य करने हेतु निम्नवत ग्राम रोजगार सेवक को नियुक्त किया जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पे रहेगा अभ्यर्थी का नाम एवं पता, ये जैसे कि ये अभ्यर्थी हैं इनका नाम पता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कैटेगरी रहेगा, ठीक है, नियुक्ति किस कैटेगरी से हुआ है, आवेदित ये BC1 से किए थे लेकिन इनका सिलेक्शन जनरल से हो रहा है, और इनको ये जो मिला है गृह प्रखंड ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो है पदस्थापित कहाँ पे हुआ है, तो देखिए ये इनका यहीं पे पोस्टिंग हुआ है राजनगर पे, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी कैंडिडेट हैं इन सब का यहाँ पे दे दिया है, और अंतिम में कुछ सूचना दी गई है कि कब आपका क्या होगा, ठीक है, प्रस्तावना नियुक्ति की। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग फ्यूचर में जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जान ले पहले, पसंद आएगा तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी छोड़ भी सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ठीक है, 18/12 मतलब जिसका भी जो डेट रहेगा उस डेट को आपको से लेकर के इतना डेट तक DRDA कार्यालय सरायकेला खरसावां में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु गठित समिति के समक्ष करना है, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि में प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थी के अंतिम चयन मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके जाना होगा ओरिजिनल, ठीक है, 18 से 23 तारीख के बीच में, और आप लोग जिस भी ज़िले से भरे हैं उस ज़िले में इस तरह से आपको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी नियुक्तता जो है रद्द कर दी जाएगी। निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं कराने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी का कार्य करने में इच्छुक नहीं है, ठीक है, अगर आप इस डेट तक नहीं पहुंचते हैं तो वो समझेंगे कि चलो भाई ये आदमी काम करने के इच्छुक नहीं है, ठीक है, तो उसको हटाओ, फिर वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोग हैं उससे उठाया जाएगा। अगला है चयनित अभ्यर्थी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, यानी कि BDO के समक्ष प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात दिनांक 26/12/2023 तक अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी का कार्य करने में इच्छुक नहीं है, ठीक है, और उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी और प्रतीक्षा सूची से फिर उठाया जाएगा वेटिंग लिस्ट में जो रहेंगे, ठीक है। अगला है यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे है जिसे नियमित या अस्थायी करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है, ये चीज़ भी बोल दिया गया है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में आप सवाल नहीं उठा सकते हैं कि मेरी नौकरी को अस्थायी किया जाए। अगला है संविदा के आधार पर वर्तमान नियुक्ति द्विपक्षीय द्वारा फिलहाल नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष तक की जा रही है, 1 साल के लिए किया जा रहा है जितना भी जिला में होगा, सॉरी जितना भी झारखंड के जिला में होगा, ठीक है, इस कालावधि के पूर्ण होने पर उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी कि आपने कैसा कार्य है काम किया है, उसके बाद जो है आपका देखा जाएगा, कार्य संतोषजनक अगर पाया जाता है तो अगले 1 साल के लिए फिर से आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, ठीक है। नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं होने पर नियुक्ति कर्मी की स्वतः समाप्त हो जाएगा और आपका पद चला जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया है कि अधो हस्ताक्षरित को उक्त नियुक्ति कर्मियों की सेवा की आवश्यकता भविष्य में नहीं होने की स्थिति में 1 माह पूर्व लिखित सूचना या 1 माह की परिलब्धि देकर कर्मी को सेवा समाप्त की जाएगी। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको 1 महीना का सैलरी दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि जाए बाबू घर जाओ अपना, आपका हो गया, ठीक है, या फिर आप अगर काम छोड़ना पड़ेंगे तो 1 महीना पहले आपको आवेदन देना होगा। निर्धारित परिलब्धि मानदेय राशि समेकित परिलब्धि मानदेय तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा, ठीक है, आपका जो मानदेय है निर्धारित परिलब्धि मानदेय राशि समेकित परिलब्धि मानदेय और इसके अलावा और कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है
ऐसे पद स्थापन स्थल को चयनित अभ्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे पद स्थापन स्थल को चयनित अभ्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आप अपना बोल सकते हैं कि मुझे दूसरे जगह कर दीजिए, ऐसा शायद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, योगदान करने के साथ ही यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा योजना के अंतर्गत संविदा आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिए गए शर्तों एवं भविष्य सरकार द्वारा किए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो बोला गया है कि योगदान के पश्चात एक माह के अंदर अपने पदस्थापित क्षेत्र में निवास संबंधी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो योगदान के पश्चात जब आप कीजिएगा तो एक महीना के अंदर अपने पद स्थापित क्षेत्र में निवास संबंधित शपथ पत्र देना होगा, आपको एक एफिडेविट देना होगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति आपका ये है 10,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर की जाएगी। अरे यार 11,000 लिखा हुआ था ना, 10,000 प्रति माह के मानदेय पर। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय भुगतान की जाने वाली राशि किसी भी प्रकार परिवर्तन अथवा वृद्धि झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में ही किया जाएगा। जब झारखंड सरकार आदेश देगा कि आपके मानदेय में वृद्धि किया जाए तब मानदेय में वृद्धि होगा। और इसके लिए एक बार आंदोलन चलेगा कि जितना भी रोजगार सेवक का है ना, बहुत कम पेमेंट है यार, इतना कम पेमेंट में कैसे होगा। कम से कम 16,000-18,000 कीजिए, जहाँ जैसे कि आपका MP में है, ठीक है, सॉरी UP वगैरह में है, तो वहाँ पे 18,000-16,000 मिल जाता है। तो यहाँ पर भी मिलेगा तो आदमी अच्छे से काम कर पाएगा ना, 10,000 में फैमिली थोड़ी चलेगा इनका। अगला है, नियुक्ति कर्मी को संबंधित प्रखंड में योगदान की तिथि से संबंधित प्रखंड द्वारा मानदेय का भुगतान अनुमान्य होगा। ठीक है, अगले बोला गया है 13 नंबर पॉइंट कि नियुक्ति कर्मी को योगदान के समय स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और आपका समक्ष पदाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा तथा उनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी जो ये सब नहीं देंगे। ठीक है, अन्यथा उनकी नियुक्ति को रद्द मानी जाएगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि मेरिट कितने से बनता है। देखिए ये JEE का भी आ गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट लिस्ट जिन्होंने JEE से फॉर्म भरा है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कितना से मेरिट बना है। देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट है ये वाला आपका, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना से मेरिट बना है, कितना नंबर से। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम है आपका इधर, और ये वाला जो भी कैंडिडेट का नाम है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे फादर का नाम रहता है, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे रहता है कि शपथ पत्र जितना भी चीज़ दिए हैं, एफिडेविट दिए हैं या नहीं, ठीक है, नेक्स्ट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिए हैं या नहीं, ठीक है, कहाँ का दिए हैं, किस लेवल का दिए हैं, वो चीज़ यहाँ पर रहता है। फिर आपका कैटेगरी यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ से आपका जो है मार्क्स शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए इन्होंने ITI किया है और कितना परसेंट मार्क्स लाया है, तो 73% इनका मार्क्स आया है ITI में। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते थे, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, BA ऑनर्स किया है, ठीक है, और ग्रेजुएशन में इनका 72% मार्क्स है। तो ITI का 73% और ग्रेजुएशन किए हैं, इसलिए इनको 5 मार्क्स अतिरिक्त दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि स्नातक, एक मिनट यार, स्नातक प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंकों का अधिभार, ठीक है, 5 अंक इनको वेटेज दिया गया। तो इनका था ITI में 73%, ठीक है, अभी हम लोग इंटर वाला भी देखेंगे, 73% और 5 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि कितना हो गया, 78% हो गया जी। तो और इन्होंने MA भी किया है ना, MA भी किया है, तो एक मिनट रुकिएगा, ये जो है इनका 77 हो गया इधर, ठीक है, क्योंकि 70 ये आपका 72 BA ऑनर्स और 5 मार्क्स अधिकतम, 77 हो गया इनका, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क्स अधिकतम हो गया। फिर इन्होंने MA किया है और MA का प्राप्तांक इनका कितना है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, कितना है जी, 60 पॉइंट 80 पॉइंट है जितना भी है, ठीक है, तो ये इनका सब मिला के बना है यहाँ पे, देखिए 80 है ना, कितना अच्छा से नहीं दिख रहा है इसका, 0.85 है, ठीक है, तो इस तरह से इनका कुल बना है 77।
77 पूर्ण स्कोर। यहाँ पे बोला गया है कि योग्यता स्कोर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं के प्रतिशत प्राप्तांकों के कुल योग, जिसमें से जिसे 3 से विभाजित कर औसत योग्यता स्कोर। अब चलिए हम लोग एक इंटर वाला देखते हैं, तब आपको अच्छा से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी इंटर किया है, 63% इनका इंटर में आया है। कितना परसेंट? देखिए ये वाला इंटर है, ठीक है, जनरल कोटा से है ये, और 63% आया था इंटर में। फिर इन्होंने बीटेक किया है, इंटर के बाद क्या किया है, बीटेक, और बीटेक में 78% आया है। इनका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है, तो ये इनका 5 मार्क एक्स्ट्रा 78% और ये इसका 5%, कितना हो गया 78 और 5, तो यहाँ पे हो जाता है 83, होता है ना, हाँ 83%। तो इनका 83 पॉइंट यहाँ पे हो गया ये वाला, ठीक है 83%। आगे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे इनका बन रहा है PGDCA का ये कोर्स किए थे, जिनके लिए इनको यहाँ पे ये -5 है यार, ये PGDCA का -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका 72% कर दिया है, यही वाला है जी, हाँ 72%। फिर इनका देख लेते हैं, तो कुल मिला के इनका 72.99% हो रहा है। ये कैसे किया, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे भी। दोस्तों मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इन लोग किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए और एक को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। और एक आदमी यहाँ पे किया है इंटर, ठीक है, इनका भी इंटर में 60% है। ये देखिए इंटर किया है, इनका 60 है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो भी, ये भी इंटर है, इसका भी 60 है, ठीक है। इन्होंने बीकॉम किया है, एगो में बीए किया है, तो बीकॉम में इनका 70% आया और इनका 68% आया था बीए में, ठीक है। तो इनको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिला है, इनका 65 होना चाहिए, तो इनका कितना किया है 75, यानी कि ये बीकॉम वाला का जोड़ रहा है, बीकॉम वाला का जोड़ा तो 75 हो गया, ठीक है। और इनका जो है कितना आया था ग्रेजुएशन में, इनका आया 68 में 5 जोड़ दिया तो 73% हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं। तो इन्होंने एमकॉम भी किया है और इन्होंने एमए भी किया है, उसके जस्ट दोनों का ही, एगो एमकॉम किया है, एगो एमए किया है, ठीक है। तो इनका जो 75 आया है, इसमें से फिर इनको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, PGDCA का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, तो एमकॉम का इन्होंने और इन दोनों का देख लेते हैं आगे, ठीक है, जस्ट इसके आगे देखते हैं। तो एमकॉम का यहाँ पे बाद फाइनल जो इनका आ रहा है एमकॉम, इसमें इनको 1 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है, तो 71 हो रहा है, ठीक है, और इनका भी 71 हो रहा है। कैसे किया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे इनका जस्ट जो है यहाँ पे कितना था, ये देखिए 75 था इनका और इनका 73। फिर इन्होंने एवरेज निकालते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 75, 73, 78 मार्क्स लाया था, जिसको फिर इन्होंने 78.65 ही रहने दिया, इसको 79.45, क्योंकि ये बीए प्रोग्राम PGDCA जो करते हैं उनके लिए मार्क्स दिया जाता है, जो कि केवल एक ही आदमी को मिला है इसमें से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे इनका बढ़ किया जाता है, यहाँ पे 78 के बाद 71, कितना हो जाता है 71। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सिलेक्टेड है, एगो वेटिंग लिस्ट है, तो मालूम नहीं ये किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी एक चीज़ तो यहाँ से क्लियरली है दोस्तों, कि देखिए जितना भी लोग किया है सब कोई एमए, एमएससी, PGDCA, इस तरह से सब कोई है, जितना भी आदमी सिलेक्टेड है, ठीक है, देख रहे हैं ना, सब कोई, कोई एमए किया है, कोई एमएससी किया है, कोई बीटेक किया है, केवल नॉर्मल इंटर वाले यहाँ पे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं ना, केवल नॉर्मल ITI वाले, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, उसके बाद जितना भी है इधर सबका वेटिंग लिस्ट में घुसा दिया गया है, नॉर्मल इंटर वाले दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए लास्ट तरफ देखते हैं, यदि नॉर्मल इंटर वाले मिल जाते हैं, हाँ तो एक नॉर्मल इंटर वाला मिला है 42%, 42% का उठेगा भी नहीं भाई, तो एक बात तो पक्का है। अब यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष कुछ निकालते हैं, कि अगर आपने इंटर में जैसे कि मेरा 76% है इंटर में, 76.80%, ठीक है,
तो इतना अगर आपका मार्क्स नहीं इतना होना था तो डेफिनेटली उठ जाएगा आपका। अगर आपका इंटर में 70% भी है फिर भी आप उठ जाइएगा, खाली अगर आप इंटर किए हैं 70% भी है फिर भी आप उठ जाइएगा। लेकिन अगर आपने इंटर 65% भी लाया है, ठीक है, 65 to 70%, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आपके उठने की संभावना है, ठीक है। ग्रेजुएशन और 65 to 60, 65-70% के बीच में लाए हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आप डेफिनेटली उठ जाइएगा, एमए भी किए हैं तो पक्का उठ जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल और केवल इंटर किए हैं और अगर आपका 75% प्लस है इंटर में, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आप डेफिनेटली उठ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 72% वालों को ही जब सिलेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है, 5-5 मार्क्स करके जोड़ेगा तो यहाँ पे 10 मार्क्स इनका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि इनका कितना था, 73%, और फाइनल यहाँ पे कितना बन रहा है इनका, 77%, ठीक है। तो आप अगर लेते आते हैं ना 75% मार्क्स इंटर में, और अगर आप ITI किए हैं, सॉरी 75 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो डेफिनेटली स्कोर बन जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि 65+% वालों का सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, इंटर प्लस ग्रेजुएशन किए हैं तो। अगर आपने केवल इंटर किया है तो 75% ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब क्या बताएं, सब कुछ देख ही लिए आप लोगों ने, जिस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, आप लोग अपना रिजल्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च मारिएगा। सपोज दैट यहाँ पे मैं सर्च मार रहा हूँ आपका हजारीबाग चाहे ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, हजारीबाग का बहुत ज़्यादा सीट है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आपको इस तरह से यहाँ पे इस पे रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है, इस तरह से, और जब आपका आएगा यहाँ पे तो लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका इस तरह से। अभी नहीं आया है, ठीक है, आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपके सामने मैं जहाँ तक समझता हूँ दोस्तों आपको उतना समझाता हूँ, आपको उससे ज़्यादा समझने के प्रयास करवाता हूँ मैं, जितना दूर तक समझता हूँ उससे ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू, बाय। मेरी मेहनत पसंद आई हो, समझाने का तरीका, तो हो सकता है मेरा उतना माइंड काम नहीं किया इसमें, चलिए कोई बात नहीं, जहाँ तक मैं दिमाग दौड़ा पाया दौड़ाता हूँ यार। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट।